जय हिंद। नमस्कार, मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा है, विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एक अच्छे लेवल की, एक अच्छे बढ़िया तरह से चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज का ये सेगमेंट जो होने वाला है, ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जिसमें मैं आप सभी लोगों के लिए हिस्ट्री का एक जानदार सिलेबस जो यूपी ट्रिपल एस सी विभाग ने मेंशन किया है अपने सिलेबस में, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। आराधना बहन जी और अनिकेत वर्मा, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये बताएंगे एक बार जल्दी से, क्या वीडियो की नोटिफिकेशन, अभी मैंने क्लास शुरू किया तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन गया था या नहीं गया था, एक बार कंफर्म करना जरा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सभी लोग इस सेगमेंट में जोड़ने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग किस क्लास में उपस्थित हो रहें। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप सभी प्यारे साथी लिंक को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके जो दोस्त हों, अहबाब हों, जो फॉर्म अप्लाई किए हों यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, और वो हिस्ट्री और स्टैटिक जीके का जो सेगमेंट है, कुल 20 नंबर के सेगमेंट को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अच्छा अच्छा अभी बिल्कुल आया। चलिए, वही मैं सोच रहा हूँ कि और लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है लग रहा है। चलिए आइए देखते हैं। और सबसे पहले हम लोग इस यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के हिस्ट्री के सेगमेंट में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले, हम आपको एक बार संपूर्ण सिलेबस दिखाएंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट ने अपने इस यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम में सिलेबस को क्या रखा है, सिलेबस क्या मेंशन किया है। आइए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस की ओर। और सबसे पहले आप सभी लोग एक बार सिलेबस की ओर नजर डालें, और इसी सिलेबस के आधार पे हम सभी लोगों को इस पूरे सेगमेंट में पढ़ना है। जैसे देखिए, आपके सामने पहला सिलेबस मेंशन किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक संस्कृति, तीसरा बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में पढ़ना है, और चौथा जैन धर्म। जैन धर्म में भगवान महावीर और उन 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ना है, मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है हमें, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये आपका सिलेबस होने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे सभी प्यारे साथी, है ना, ये सिलेबस है आपका। और ये हिस्ट्री के सिलेबस में मेंशन है, कुल 5 नंबर का है जितना भी मैंने अभी आपको बताया, ये 5 नंबर का सेगमेंट है, और इन सेगमेंट को हम सभी लोग मिलकर कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा सिलेबस क्या कह रहा है आगे। ये जितने भी टॉपिक यहां पर दिए गए हैं, 5 नंबर का वो वाला, 5 नंबर का ये वाला, तो 5 नंबर हमें इसमें कवर करना है, जिसमें आपको पढ़ना है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद, वही लाल बाल पाल के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, इसमें विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1993, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन तथा आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इतना चीज पढ़ेंगे हम लोग, तो 5 नंबर का ये सेगमेंट आपका ये हो जाएगा। तो कुल 10 नंबर मैंने आपको दिखा दिया सिलेबस में, लेकिन आइए हम बात करते हैं स्टैटिक के उस सेगमेंट में जहां से आपके 10 नंबर पूरे के पूरे गेन हो सकते हैं। वो कौन कौन सा है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद देश, देश की राजधानी, उस देश की मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवसों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विश्व के संगठन जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके मुख्यालयों के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय पर्यटन दिवस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, भारत की कला एवं संस्कृति जिसे हम लोग कहते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ा जाएगा, भारत एवं विश्व के खेल, ये भी हम लोग पढ़ेंगे इस स्टैटिक के सेगमेंट में,
भारतीय अनुसंधान संगठन इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, उसके बाद लास्ट में पुरस्कार एवं विजेता। तो इतना अगर आप लोग पढ़ते हैं, ये मान के चलिए कि हम लोग 10 मार्क्स कवर करने वाले हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, एक वादे के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि इस जो सेगमेंट मैंने आपको दिखाया, कुल 10 नंबर, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। उसके साथ मैंने अभी जो आपको बताया था, हिस्ट्री में, हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हिस्ट्री को पांच पांच नंबर में बांटा गया है। तो ये पांच नंबर, ये पांच नंबर, ये 10 नंबर मैं आपको छूटने नहीं दूंगा, विश्वास में आपको दिलाता हूं। एक बार सेगमेंट में बने रहिए। और आइए इसी के साथ हम अपने सेगमेंट की करते हैं शुरुआत। और आज के सेगमेंट में देखते हैं हम लोग पढ़ने वाले क्या है। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही रहा, और जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी कन्फर्म करेंगे। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है, एक एक प्रश्न पे पकड़ बनेगी आपकी, विश्वास रखिए, एक एक प्रश्न पे आपकी पकड़ बनेगी। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, निग्राइड या फिर डी मंगोलाइड। एक एक प्रश्न पे आपको पकड़ बनाना है, और जितना मैं प्रश्न करवा दूंगा हर एक टॉपिक पे समझा समझा के, उतना कोई आपको कराएगा नहीं, ठीक है? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएंगे सभी प्रश्न, कंफर्म करेंगे एक बार। चलिए आइए, देखिए बात को समझना आप लोग। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले आप ये समझो, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आखिर में ये सभ्यता, ये जो सभ्यता की बात कर रहा है, इस सभ्यता का उदय कैसे हुआ? तो आप एक बात समझना, भारत का मैप देखो, और भारत के मैप में देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे बसे जो प्राचीन काल के लोग थे, उन्हीं को कहा गया कि ये सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के मध्य आकर रहना शुरू कर दिए। अब जब रहना शुरू कर दिए तो उसी को एक सभ्यता नाम दे दिया गया, उसी सभ्यता को नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जो लोग बसे थे वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो सिंधु नदी के तट पर या सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। तो ये कहां के, आखिर में ये निवासी कहां के थे, ये कहां के रहने वाले थे जो भारत की भूमि में आकर रहना शुरू कर दिए, तो आपकी भूमि में आकर रहना शुरू कर दिए। तो आप सभी लोगों को बताना है, ये भूमध्य सागरी थे। भूमध्य सागरी, अगर आपके सामने विश्व का मैप हो तो आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर देखिए, आपको दिख जाएगा भूमध्य सागर। तो याद रखिएगा, ये भूमध्य सागरी थे और ये भारत में आए, सिंधु नदी के किनारे बस गए। याद रखेंगे सभी प्यारे साथी, बोलेंगे एक बार, चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, कंफर्म पर जहां भी डाउट आए तुरंत बेझिझक पूछ लेना आप लोग, ठीक है? चलिए, तो अधिकांश जो निवासी थे ये कहां से आए थे? तो आपको बताना है भूमध्य सागरी, भूमध्य सागर से ये आए थे और भारत में बस गए, ठीक है? चलिए आइए पढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल या फिर डी ऐतिहासिक काल। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे, सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? कंफर्म दिस क्वेश्चन, घबराइए नहीं, नहीं आएगा, मैं आपको एक एक चीज कंफर्म कर दूंगा, ठीक है? विश्वास रखें बस। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, चीजें आप समझिएगा। ये है आईवीसी, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी
भारत में एक सभ्यता विकसित हो चुकी है, उस सभ्यता का नाम क्या है? आप सभी लोग बताइएगा, स्टोन एज। मैं आपको जो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये स्टोन एज मतलब पत्थरों का काल, जिसे हम लोग कहते हैं पाषाण काल, ये सिंधु का, ये यूपी SSSC विभाग के पेट एग्जाम में मेंशन है नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टोन एज का जो टाइम पीरियड था उसे हम लोग बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, लेकिन जैसे ही स्टोन एज का टाइम पीरियड समाप्त होता है तो सिंधु घाटी सभ्यता आई। सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? आप सभी लोग बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए यहां पे ऑप्शन नंबर सी, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम लोग इंग्लिश में नाम देते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। उसके पहला काल कौन सा था? पाषाण काल था। अब जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो एक नई सभ्यता का उदय हो रहा था, वो सभ्यता कौन सा था? तो आप सभी लोग बताएंगे ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो काल कौन सा है? आप बताएंगे ऐतिहासिक काल। इस वैदिक संस्कृति में हम लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, जहां पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ये सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बात आ रही है अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो मैं ऑप्शन को टच करके चल रहा हूं, ठीक है। ये पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये दोनों के दोनों काल जो कहां के थे? ये पाषाण काल काल के थे, मतलब पत्थरों का काल से रिलेटेड थे, ठीक है। बाकी आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रोटो हिस्ट्री या आद्य ऐतिहासिक काल का संबंध किस इतिहास से है? तो आपको बोलना है सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। आइए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न, ये प्रश्न मैं आपसे कह रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं, दावा दे रहा हूं आपको, ऐसे इस बार स्टार बना लीजिएगा। प्रश्न अगर आएगा सिंधु घाटी सभ्यता से तो यही पूछा जाएगा। वो प्रश्न होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। बोलेंगे सभी प्यारे साथी, कंफर्म करेंगे एक बार सभी को, अंशिका बहन जी एंड साक्षी पाल, नरिया, नैन्सी नायक, आराधना, सभी का स्वागत है यूपी क्लासेस में। एक बार जल्दी से जवाब देंगे आप लोग इस प्रश्न का, कंफर्म करेंगे, घबराएं नहीं, हर एक प्रश्न पे आपकी फैक्चुअल चीजें होंगी, चीजें आपको आएंगी, निश्चिंत रहें आप लोग, ठीक है। चलिए किसी के भी जवाब नहीं आए हैं तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ये, देखिए ऑप्शन नंबर बी। बोले तो देखिए आपको करना क्या है, सीधी सी बात है, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्राप्त प्राप्त मान्यता काल क्या है। आपको सिर्फ इतना बताना है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के कालखंड को हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसी सभ्यता थी जहां पर 1200 से अधिक स्थल थे। अब स्थल होने के बाद हड़प्पा स्थल सबसे पहले मिला, इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर कितने ईसा पूर्व तक? तो आपको बताना 1750 ईसा पूर्व के कालखंड को हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को यहां तक? चलिए आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे साथी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत है? एक बार जल्दी से आप सभी लोग कंफर्म कर देंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए आपसे यहां प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है? तो आपको मंद मंद मुस्कुराना है, आपको बताना है मांडा कहां पर स्थित है? तो आप सभी लोग बताएंगे जम्मू और कश्मीर में स्थित है मांडा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल है,
कहां पे है? मांडा, जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे दक्षिणी स्थल पूछा जाएगा तो आप सभी लोगों को बोलना है दैमाबाद। ये कहां पर स्थित है? आपको बोलना है महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आपसे पूर्वी स्थल पूछा जाएगा आपको बोलना है भाई आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है। कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल है उसका नाम है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर ये कहां पर स्थित है? तो आपको बोलना है भाई पाकिस्तान में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपसे इसके साथ ही साथ आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोगों को बताना है भाई चेनाब नदी के, सॉरी रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्तर आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है गोदावरी या उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित है दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए सुतकांगेडोर की मैं बात करूं तो सुतकांगेडोर ये किस नदी के तट पर स्थित है? आप सभी लोग बोलेंगे दास्क नदी के तट पर स्थित है। दास्क नदी के तट पर स्थित है सुतकांगेडोर, आलमगीरपुर हिंडन नदी, दैमाबाद गोदावरी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को क्या? हाँ मैं आंसर देख रहा हूं। चलिए तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस प्रश्न का सही जवाब देंगे आप सभी प्यारे साथी। देखिए अगर आप इसे मिलाते हैं इस पूरे के पूरे स्थल को तो आपको एक आकृति नजर आ जाएगी और इस आकृति को हम लोग नाम दे सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकृति की है? आप लोग बताएंगे ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप, बोले तो त्रिभुजाकार आकृति का है सिंधु घाटी सभ्यता। मान लीजिए आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नॉर्थ टू साउथ, देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, नॉर्थ टू साउथ लंबाई कितनी है? आपको बोलना है 1100 किलोमीटर। या आपसे ऐसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई कितनी है? तो आपको लिखना है ईस्ट टू वेस्ट 1600 किलोमीटर। ये सब फैक्चुअल डेटा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जवाब किसके क्या आ रहे हैं। किसी के सी आ रहे हैं, हाँ सी आ रहे हैं सबके, वेरी गुड। जितने भी लोगों के जवाब आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध तथा बलूचिस्तान, जितने भी लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और आज का अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंदित है? राखालदास बनर्जी, एस आर राव, जॉन मार्शल या फिर डी अलेक्जेंडर कनिंगम। बोलेंगे सभी प्यारे साथी, एक बार कंफर्म कर देंगे इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी, जो स्थल था, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? बोलेंगे सारे लोग। चलिए अमन पटेल, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। देखिए बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है अमन जी ने और इनके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहां पे बात हो रही है मोहनजोदड़ो की। सबसे पहले बात आती है कि जो मोहनजोदड़ो स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इससे जुड़ा फैक्ट, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज राखालदास बनर्जी ने किया है, लेकिन मोहनजोदड़ो स्थल ये किस नदी के तट पर स्थित है? आप सभी लोग बोलेंगे ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल
सिंधु नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा कहां पर स्थित है, आप सभी लोगों को बताना है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए मोहनजोदड़ो स्थल की खोज राखाल दास बनर्जी ने कब किया था, 1922 में किया गया था। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा हो जाता है कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के किस जिले में, लरकाना जिला में, कब गई थी, 1922 में। लेकिन याद रखिएगा आप सभी प्यारे साथी, हाँ, मोहनजोदड़ो के कुछ अन्य नाम ये जरा आप लोग नोट करिएगा, तो मोहनजोदड़ो के कुछ अन्य नाम, जैसे मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है, आपको बोलना है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को ही, और सिंध का बाग, सिंध का बाग किसे कहा जाता है, आपको बोलना है मोहनजोदड़ो को। सिंध के बाग के साथ साथ आपको बताना है सिंध का नखलिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है, यहां पे लिखेंगे सभी प्यारे साथी, सिंध का नखलिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है, आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी के जवाब अच्छे आ रहे हैं, विनोद कुमार यादव, चलिए बहुत बढ़िया, आइए बढ़ते हैं। लेकिन बढ़ने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों को खोजा गया है, तो आपके मन में प्रश्न बनना चाहिए कि क्या ये स्थल दब गए थे, बिल्कुल दब गए थे। अब दबने का प्रमाण माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ के कारण विलुप्त हुई। देखिए प्राचीन काल में एक संस्था थी, उस संस्था का नाम था ASI, इस बात को समझिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बनता है, बहुत प्रश्न बनता है, यहां से बात को समझ के चलिएगा। देखिए ASI बोले तो हम लोग बोल सकते हैं इसको एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में नाम है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, जिसका इंग्लिश में नाम है एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहां से दो प्रश्न पूछता है, एक आपसे ये पूछा जाएगा कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के निदेशक कौन थे, ये पहला प्रश्न एग्जामिनर का, निदेशक कौन थे। और यहां से दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन थे, जनक बोले तो फाउंडर। दो प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, देखते हैं कितने लोगों के जवाब बिल्कुल सही आते हैं, जवाब देंगे आप सभी प्यारे साथी के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक और दूसरे जनक। अगर आपसे निदेशक पूछा जाएगा तो आप सभी प्यारे साथी बोलेंगे जॉन मार्शल, निदेशक पूछा गया आपको बोलना है जॉन मार्शल, अगर जनक पूछा जाएगा तो बोलना है अलेक्जेंडर कनिंघम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा ये मेरे भाई इस चीज से, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, सभी के जवाब बहुत बढ़िया आ रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, आपके बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। देखिए याद रखिएगा निदेशक कौन थे जॉन मार्शल और जनक कौन थे अलेक्जेंडर कनिंघम। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर, और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, सिंधु सभ्यता किस युग की थी, कंफर्म करेंगे एक बार सभी प्यारे साथी, सिंधु सभ्यता किस युग की थी, जवाब देंगे सभी लोग एक बार जल्दी से बोलेंगे, एक बार कंफर्म करेंगे, चलिए आइए, किसी के जवाब नहीं आए अभी तक, आइए बहुत बढ़िया, आराधना जी का जवाब आया है डी, बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया है बहन जी, और आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अभी भी बताया था आपको सिंधु घाटी सभ्यता से पहले एक सभ्यता थी, एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोन एज, बोले तो पाषाण काल। अब देखिए पाषाण काल के जो मानव थे
इनका प्रयोग तांबा, ये तांबे का प्रयोग करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्टोन एज के बाद सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, तो हुआ क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या उससे पहले लोग तांबे का प्रयोग तो करते थे, तांबे का प्रयोग तो करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इसे टीन मिक्स कर दिया और टीन मिक्स करने के बाद इसे क्या बना दिया, ब्रोंज। ब्रोंज बोले तो कांस्य। तो ऐसी सभ्यता जिसे कांस्य कहा जाता है वो कोई और नहीं, वो सिंधु घाटी सभ्यता है। चलिए बहुत बढ़िया, साक्षी पाल, प्रेम नारायण अवस्थी, यूपीएससी लवर अंशिका, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों के जवाब नहीं, बी नहीं होगा अंशिका बहन जी, और जितने भी लोगों ने जवाब दिया है डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये आज आपकी पहली क्लास है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम हिस्ट्री का, और उसके साथ साथ मैं आपको स्टैटिक भी कवर करूंगा, ठीक है। जवाब देंगे जल्दी से एक बार, कंफर्म करेंगे। देखिए किसी के जवाब नहीं आ रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो जो लोग थे वो व्यापार करते थे। अब व्यापार में सर्वाधिक उत्पादन ये लोग किसका करते थे, तो आपको बताना है कपास। सर्वाधिक उत्पादन, क्योंकि इनका उत्पादन करना और उत्पादन करके व्यापार करना काम कौन किनका था, सिंधु घाटी लोगों को। तो जो आज हम सभी लोग वस्त्र ग्रहण भाई हम लोग पहनते हैं, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय कपास को उत्पादन करते थे और उसी को व्यापार का रोजमर्रा बनाए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। बहुत बढ़िया आराधना जी, प्रेम नारायण अवस्थी और साक्षी पाल, सभी के जवाब बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं, वनावली, लोथल, कालीबंगा या फिर डी सुरकोतदा। कंफर्म दिस क्वेश्चन। हाँ, बंदरगाह लोथल थे। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं। बहुत बढ़िया, सभी के जवाब आ रहे हैं बी, तो किसी के हाँ आइए लोथल। नहीं, देखिए गलत ना करिए भाई, गलत ना करिए। मैं यहां से पूछा क्या हुआ हूं, घोड़े के अवशेष। गलत ना करें सभी प्यारे साथी, मैं यहां पूछा हूं घोड़े के अवशेष। ऐसे कैसे गलत कर दे रहे हो आप लोग, सभी के जवाब गलत हैं, सभी के जवाब गलत हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहां पे घोड़े के अवशेष, हॉर्स के अवशेष, तो मेरे भाई याद रखिएगा ये हो जाएगा सुरकोतदा। यही आपकी गलती है, यही आप लोगों को गलतियां हैं। एक ने जवाब दिया बी लोथल, लोथल, तो सभी ने जवाब दे दिया लोथल, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि सुरकोतदा भी तो हो सकता है। सुरकोतदा स्थल ये पड़ता कहां पे है, आप सभी प्यारे साथी बोलिएगा, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कालीबंगा स्थल ये कहां पे पड़ता है, आपको बताना ये राजस्थान में स्थित है। लोथल स्थल ये कहां पे पड़ता है, तो आप सबको बताना है भाई गुजरात में लोथल स्थल भी पड़ता है। बनावली कहां पड़ता है, आप सभी लोगों को बताना है हरियाणा में पड़ता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, ठीक है, जो आप लोग गलती हमेशा करते जा रहे हैं। चलिए याद रखिएगा, वनावली लोथल स्थल के जो उत्खनन करता थे उनका नाम क्या था, आप लोग नोट कर लीजिए, एस आर राव, एस आर राव। कालीबंगा अगर आपसे पूछा जाए तो कालीबंगा स्थल के उत्खनन करता कौन थे, तो आप सभी लोगों को बोलना है भाई काली है अमला की बीबी। एक ट्रिक है, काली है अमला की बीबी, यहां पे काली से मतलब हो जाएगा कालीबंगा और अमला की बीबी, अमला से यहां पे लिख लीजिएगा अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, क्योंकि कालीबंगा स्थल के दो उत्खनन करता थे और काली है अमला की बीबी,
यहां पे बीबी से अर्थ हो जाएगा बीबी लाल, ठीक है, दोनों याद रख लीजिएगा। शुकोतदा स्थल कहां पे है? गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सर मेरा आंसर क्यों नहीं देखने? नहीं, मैं सबका आंसर देख रहा हूं, ऐसी बात नहीं है अंशिका बहन जी, मैं सबका आंसर देख रहा हूं, ठीक है। चलिए सविता बहन जी, सबका स्वागत है यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजाति, नगरी, शहरी या फिर टी, इनमें से कोई नहीं। जवाब देंगे सारे लोग। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कंफर्म दिस क्वेश्चन, कंफर्म करेंगे एक बार सभी लोग। चलिए आइए देखते, देखिए यहां पूछा क्या गया है कि निवासी थे। भाई ये निवासी कहां के थे? भूमध्य सागरी के तो थे, लेकिन इनकी जो जाति थी वो मतलब रहने वाले कहां के थे? क्या ये नगरों में निवास करते थे या शहरों में निवास करते थे? तो आपको बताना है भाई यहां पे अर्बन थे ये लोग, अर्बन सिविलाइजेशन, प्रथम शहरीय सभ्यता थी इनकी। तो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा सी, शहरीय थे। जितने भी लोगों के जवाब आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी शहरी, उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, नगरीय जवाब नहीं होगा, ठीक है। ये लोग रूलर नहीं थे, ये अर्बन थे, अर्बन शहरीय थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न स्क्रीन पर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, राखाल दास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंगम या फिर डी दयाराम सहनी। जल्दी से बताइए, तो थोड़ा सा हम वाटर ग्रहण कर लेते हैं। चलिए जवाब देंगे सारे लोग, बहुत बढ़िया। सभी के जवाब आराधना, सविता बहन, साक्षी पाल, प्रेम नारायण अवस्थी, सविता, सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी इज विल बी राइट आंसर। देखिए यहां बात किस चीज की हो रही है? हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। तो हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले जो फैक्चुअल डेटा है जो एग्जाम में पूछता है, भाई इस स्थल के खोज तो दयाराम सहनी ने किया है, लेकिन कब किया है? तो आपको बताना है 1921 में। कहां पर यह स्थल है? तो आपको बताना है रावी नदी के तट पर स्थित है, यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। जिला अगर आपसे पूछा जाएगा आपको बोलना है मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिले में स्थित है यह हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम सहनी थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला, चलिए बहुत बढ़िया है अंशिका बहन जी, सभी का जवाब बहुत बढ़िया आया है, ठीक है। देखिए 1921 में खोज हुई है, मोंटगोमरी जिले में स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता ऐसा पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो दो भागों में विभक्त था। आप सभी लोगों को बताना है यह हड़प्पा सभ्यता दो भागों में पटा हुआ था। कौन कौन से? एक ऐसा था जहां पे राजा लोग निवास करते थे जिसे नाम दिया गया है माउंट एबी। दूसरा जो भाई हड़प्पा था इसे हम लोग कह सकते हैं माउंट एफ, ठीक है। टीला एबी और टीला एफ में विभक्त कौन था? तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो माउंट एबी और माउंट एफ में विभक्त था कौन? तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। चलिए याद रखेंगे सभी प्यारे साथी, और यहां पे देखेंगे राखाल दास बनर्जी, इन्होंने मोहन जोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? मोहन जोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? आपको बताना राखाल दास बनर्जी जी ने कब? 1922 में। किस जिले में? तो आप सभी को बोलना है भाई लरकाना डिस्ट्रिक्ट, लरकाना जिला, पाकिस्तान। किस नदी के तट पर? तो आपको बोलना है
सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, याद रखिएगा सभी चीजें। यहां पे अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय या एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जनक, जिनका नाम जनक जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। जॉन मार्शल कौन थे? इसके जनक हुआ करते थे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बोलेंगे, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल, रोपण, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा? कंफर्म करेंगे 11 का ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यूपीएससी लवर अंशिका जी, बहुत जल्दी आपने जवाब दे दिया बहन, 11 का ए। क्यों, जवाब बिल्कुल सही था आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया था, और ए ही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाहों में से किसे जाना जाता है? तो आपको बताना है लोथल। और ये लोथल स्थल कहां पर स्थित है? आप बताएंगे ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, रोपण स्थल जो है ये कहां पर स्थित है? आपको बताना है पंजाब में, पंजाब में। मोहनजोदड़ो स्थल ये कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, कहां पर? तो पाकिस्तान प्रांत के लरकाना जिले में। कालीबंगा स्थल कहां पर स्थित है? आपको बताना है राजस्थान में। कालीबंगा स्थल के खोजकर्ता कौन थे? आपको बताना है, काली है अमला की बीबी, ट्रिक है, तो अमला नंद घोष, और आपको बताना है भाई यहाँ पे बीबी लाल। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? मैंने आपको बताया था राखाल दास बनर्जी, 1922 में खोजा गया था। लोथल स्थल के खोजकर्ता कौन है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, एस आर राव। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से कंफर्म करेंगे, सिंध का नकली स्थान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? जवाब देंगे जल्दी से आप लोग। अनन्ना बघेल जी, स्वागत है आपका यूपी क्लासेस प्रयागराज में। भाई साहब जवाब देंगे इस चीज का, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या फिर डी मोहनजोदड़ो? कंफर्म करेंगे सारे लोग। बोलिए, कंफर्म दिस क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के जवाब आने शुरू हो गए हैं। अंशिका जी के आए हैं बी, अनन्या जी के जवाब आए हैं ए। ए तो आइए देखते हैं यहां पे पूछा क्या गया है। भाई सिंध का बाग, सिंध का नकली स्थान, मैंने अभी अभी इस सेगमेंट बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को, तो आप सभी लोगों ने जवाब गलत दे दिया, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अन्य नाम मिलता है मृतकों का टीला या मोहनजोदड़ो का अन्य नाम मिलता है सिंध का बाग या सिंध का नकली स्थान, किस स्थल को? अंशिका जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया आपने सही जवाब दिया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? आप सभी लोग याद रखिएगा, दयाराम साहनी जी। लोथल स्थल के खोजकर्ता कौन थे? एस आर राव। कालीबंगा स्थल के खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। और दूसरे कौन थे? पी पी लाल। ठीक है, पी पी लाल। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या फिर डी आयताकार? जल्दी से जवाब देंगे आप सभी प्यारे साथी, सविता जी एंड अंशिका बहन, साक्षी पाल, आराधना जी, सभी लोग जवाब देंगे इस प्रश्न का। कंफर्म दिस क्वेश्चन। चलिए जवाब आने शुरू हो गए हैं, सभी के आ रहे हैं जवाब, सी आ रहे हैं। क्या सी होगा? क्या, बिल्कुल, मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ट्रायंगुलर शेप की है, ट्रायंगुलर शेप।
और उसे हम लोग बोलते हैं त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार कैसे था मैंने आपको शुरू में करके बताया था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया, ट्रायंगुलर। चलिए चंदन राम, स्वागत है जी आपका यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आइए आपका भी स्वागत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सूची वन को सूची दो से सुमेलित करना है। एक सूची में दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, दूसरे सूची में दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो किस नदी के तट पर स्थित हैं वो आप लोग बताएंगे। जल्दी से बोलेंगे सारे लोग, कंफर्म करेंगे एक बार। जल्दी से बताएंगे, चले आइए, सी जवाब आने शुरू हो गए हैं। एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे सारे लोग, ए आ रहा है, ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी जवाब दिए हैं ऑप्शन नंबर ए हमारे हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप सभी लोगों को मैंने बताया था, एक मिनट भाई, ठीक है ठीक है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर, कालीबंगा राजस्थान में है, गर नदी के तट पर, तो ये तो बिल्कुल सेम है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का ए, बी का दो, सी का तीन, डी का चार। कितने लोगों के जवाब आए हैं ए, तो अंशिका जी, सविता बहन जी, साक्षी पाल और चंदन राम जी, सबके जवाब बिल्कुल सही हैं, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। आइए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है। आप ऐसे समझिए कोई स्थल था जो रेत बालू से दबा हुआ था, उस स्थल की खुदाई की गई, तो जिसे हम लोग कहते हैं उत्खनन किया गया। उत्खनन के बाद सभी चीजें मालूम चली हैं कि जब खोदा गया तो देखा गया कि यहाँ पे जो खेत थे वो हल से जोते गए थे, उसका साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है। लोथल, रोपण, बनावाली, कालीबंगा, कन्फर्म दिस क्वेश्चन। जल्दी से बोलेंगे आप सभी प्यारे साथी, एक बार कंफर्म करेंगे, सी आ रहे हैं जवाब। ए आ रहे हैं तो किसी के सी आ रहे हैं भाई, न तो ए होगा और ना ही सी होगा, यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, कहां पर स्थित है आपको बोलना है, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे, अमलानंद घोष और पीपीलाल। ठीक है, तो हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है आपको बोलना है, कालीबंगा। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न को और देखते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न आप इसकी स्क्रीन पर, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, ये तो प्रश्न फिर से वही रिपीट हो गया है, डोंट वेरी, कोई दिक्कत नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, शेर, घोड़ा, हाथी या बैल। मैं आपको बताऊं, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर थी उस मुहर पे किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन या किस पशु का चित्र मिला है इस मुहर पर, बोलेंगे सारे लोग, कन्फर्म दिस क्वेश्चन। चलिए डी जवाब आ रहे हैं, डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज विल बी राइट आंसर, बैल हो जाएगा। याद रखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर थी उस पर किस पशु का उत्कीर्णन मिलता है, तो आपको याद रखना है बैल। ठीक है, बैल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं हम लोग। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं किस स्थल से, हड़प्पा, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति या फिर सी वैदिक संस्कृति या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। चांदी जो एक आभूषण आप लोग वस्त्र आभूषण ग्रहण करते हैं,
चांदी का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा सभी लोग, और किस सभ्यता से मिला है। प्रश्न नंबर 18 का जवाब देंगे सभी प्यारे साथी, एक बार कंफर्म करेंगे। बहुत बढ़िया, 18 का ए बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, चांदी की प्राचीनतम साक्ष्य का जो प्रमाण मिला है वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि कल हम फिर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न जरूर करेंगे। ठीक है, और भी प्रश्न करेंगे अभी। अगला जवाब दीजिएगा, सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीर उत्तर प्रदेश, सुतकांगेड़ और बलूचिस्तान। कन्फर्म दिस क्वेश्चन, कन्फर्म करेंगे सारे लोग एक बार। जवाब देंगे प्रश्न नंबर 19 का, गलती से ना डरें, ठीक है, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करिए, क्या कमी रह गई देखिए और सुधार करिए। 19 का ए, वेरी गुड, जितने भी लोगों का जवाब आया 19 का ए। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी स्थल मांडा है, कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी सीमा है, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्वी सीमा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। पश्चिमी सीमा, सुतकांगेड़ और बलूचिस्तान। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, और आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। कल मिलेंगे आपसे एक नए सुबह और रात में मिलेंगे, रात 9 बजे सिंध SSC MTS के एग्जाम 2023 के एग्जाम में। ठीक है, और उसमें हम लोग आज मैराथन सीरीज करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड 50 प्रश्नों की सीरीज होगी। चलिए मिलते हैं, और हाँ, एक नैतिक जिम्मेदारी जो आपके लिए मैं सौंप रहा हूं, जितने भी आपके मित्र यार दोस्त या आपके फ्रेंड्स हैं, सभी को आप लोग बताइएगा कि UP SSC पैट एग्जाम के लिए हिस्ट्री का सेगमेंट शुरू कर दिया हूं मैं, और सभी को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। अपने मित्रों को निमंत्रण दे दीजिएगा, मिलते हैं आपसे रात को 9 बजे SSC MTS 2023 के सेगमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्लास का टाइमिंग रहेगा आपका रोज सुबह 9 बजे UP SSC पेट एग्जाम के लिए, और रात में 9 बजे हम पढ़ेंगे आपके, हम और आप मिलकर, सॉरी 9 बजे नहीं, सुबह 8 बजे हम लोगों को पढ़ना है UP SSC पेट के लिए, और रात में 9 बजे पढ़ना है हम लोगों को SSC MTS 2023 के लिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।